कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और आज ये जो यूनिट देख रहे हैं आप, ये है ट्विन बूस्टर पंप। बेसिकली जो बूस्टर पंप का काम होता है, जितने भी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं या नंबर ऑफ बाथरूम्स होते हैं, उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट होता है बाथरूम में। बेसिकली बड़े बड़े शावर, कहीं बड़े बॉडी जेट्स या ऐसे सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उस शावर में फ्लो को जनरेट करने के लिए। तो ये है ओवरऑल यूनिट, ये है सबसे पहले ट्विन बूस्टर पंप। जनरली आप हर एक जगह ये देखते हैं, सिंगल पंप और टैंक होता है उसमें। तो ये है बेसिकली ओवरऑल टू पंप सेट यूनिट है। अगर आप देखेंगे तो एक पंप वो, दूसरा पंप ये है। पूरा ये GI में पूरा कंप्लीट हेडर यानी कंप्लीट सिस्टम हम लोग बना के देते हैं। बस इसमें इनलेट और आउटलेट कनेक्ट करने हैं और इसको प्लग लगा के प्ले करना है। बस ये दो कॉन्सेप्ट इसमें रह जाता है। मैं इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, क्लोज कीजिए कैमरा को। सबसे पहला इसमें जो फंक्शनिंग है, ये सबसे पहला इसके अंदर देखेंगे आप, ये प्रेशर स्विच लगा हुआ है जो डेनफोस का है, डेनमार्क का है कंपनी ये, और ये डेनफोस का नाम है इसका। और दूसरा ये इधर आप देखेंगे, ये गेज है जिसपे प्रेशर शो करेगा, स्टील पे आता है ये। जो भी हमारे चीज़ें लगे होते हैं सारा हाई क्वालिटी हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें लगा हुआ सारी चीज़ें। अगर हम बात करेंगे पैनल की, पैनल कैसे फंक्शनिंग करेगा, तो इसमें दो पंप का सेट का कमांड है इसके ऊपर पूरा। तो इसमें सबसे पहला एक पंप, फिर दूसरा पंप, और यहाँ पे ऑटो और मैनुअल। जरा वो दीजिए इसको निकालने के लिए, इसको खोलने के लिए लगी अंदर से। तो ये हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें सारा कुछ फंक्शनिंग है, हर एक पंप का सेट का पूरा टॉगलर रिले लगा हुआ है, सॉरी रिले सिस्टम लगा हुआ है। दूसरे का रिले सिस्टम है, LNT का इसमें लगा हुआ है, और ये टॉगलर रिले, ये अप एंड डाउन करता है और ये फंक्शनिंग कराता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये ओवरऑल है। इसके साथ एक फ्लोट सिस्टम होता है, जब आपके वाटर टैंक खाली हो जाते हैं तो पंप ड्राई ना चले, सूखा ना चले, उसके लिए फ्लोटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, जिसको हम लोग फ्लोट वाल्व बोलते हैं। ये है ओवरऑल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फंक्शनिंग की, तो ये सिंपल है इनलेट और ये है आउटलेट। इस लाइन पे हमारा प्रेशर टैंक इस पे जुड़ता है, बाकी ये पूरा फंक्शन है। ये ऑटोमेटिक फंक्शन करेगा। अगर आपका मान लीजिए 20 बाथरूम्स है या 30 बाथरूम्स है या 10 बाथरूम है, जो भी है, तो इसमें हम लोग दो प्रेशर स्विच लगा के देते हैं। तो प्रेशर स्विच का दो का फंक्शन क्या होता है, अगर आपका रिक्वायरमेंट एक पंप का रिक्वायरमेंट वो 5 बाथरूम के लिए फुलफिल कर रहा है, तो 6-7-8 बाथरूम के लिए ऑटोमेटिकली दूसरा पंप स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ड्राइव सिस्टम, VFD पंप। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट ये VFD के टाइप का काम करता है बेसिकली। तो ये ओवरऑल यूनिट है, सारा कुछ आप इसमें देखेंगे। अगर फ्लेंज, क्लोज कीजिए कैमरा को, अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे यूनियन यूज नहीं करते, यहाँ फ्लेंज लगाते हैं कि पंप को हम इजी वे में खोल सकते हैं। अगर ये हमने नट खोला, ये नट खोला हमने, ये पंप हमारा इजी तरीके से, हमने सारा पूरा बॉल वाल हम लोग लगा के देते हैं ताकि इसे पंप को रिमूव करने में आसानी हो हमें, और प्लम्बिंग वाले को भी काम करने में इसमें एक तरीके से काम कर सको अच्छे से। हम लोग इसके अलावा हैवल्स का हीट पंप, रिकॉर्ड का हीट पंप, प्रेशर पंप, वाटर सॉफ्टनर, कंप्लीट आइटम हम लोग डील करते हैं पूरे बिल्डिंग का। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे YouTube चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं, हम उस आपको पूरी उस पर गाइडेंस करेंगे। अगर आपके बिल्डिंग में पाइपलाइन से रिलेटेड कोई बातें करनी हो तो हम उसके बारे में भी आपको पूरी गाइड करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।